तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपू एंड आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड्रॉयड फ़ोन का इम्पोर्टेंट 4 सेटिंग के बारे में जो आपको काम में लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता है, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पहला नंबर जो सेटिंग है, जब भी हम लोग किसी को फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करते हैं तो नंबर डायल करने का टाइम यहाँ पे टूक टाक पूक करके ऐसा साउंड आपको सुनने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो इस साउंड को चेंज करने के लिए तो आप कर सकता है। यहाँ पे जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। बाद में यहाँ पे सेटिंग आता है, सेटिंग में क्लिक कर दीजिए। सेटिंग में जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको समझाने के लिए जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं इसमें आज ओनली 4 ऑप्शन के बारे में बात करूँगा जो आपको काम में लग सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एडवांस सेटिंग है, इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, उसका पहला जो ऑप्शन है डायल पैड टच टोन, इसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद टोन्स में क्लिक कीजिए। टोन्स में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पियानो कीज बोल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे साउंड चेंज हो जाता है। देखिए, अभी आपको पियानो जैसे साउंड आएगा, आप प्रैक्टिकल भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड जो ऑप्शन के बारे में बात करूँगा वो है दोस्तों क्विक डायल। जी हाँ दोस्तों, क्विक डायल इम्पॉर्टेंट इसके लिए, जैसे कि हमारा गांव में मम्मी रहते हैं या कोई आंटी रहते हैं, अंकल रहते हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ने के लिए नहीं होता है, मीन्स नंबर ढूंढ के उसको कॉल करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्विक डायल में क्या करता है, आप कोई एक नंबर डायल करने से, मीन्स उसको स्पेस करने से ऑटोमेटिक किसी के पास कॉल जाता है जिसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे। तो जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे माई मदर बोल के सेव है। तो जैसे मैं 2 नंबर को डायल करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी माँ के पास कॉल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जैसे 2 नंबर कैसे डायल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक माँ के पास कॉल चलता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं क्विक डायल है। तो अगर आपके घर में या आपका गांव में ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई अंकल आंटी है जिनको थोड़ा पढ़ने के लिए नहीं होता है, थोड़ा मोबाइल देख के डायल करने के लिए नहीं होता है, तो आप उनको ऐसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, 3rd जो ऑप्शन है जिसके बारे में बात करूँगा वो है कॉल रिकॉर्डिंग। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है, आदमी का भरोसा ही नहीं करता है, सभी काम में प्रूफ चाहिए। तो आप यहाँ से सभी का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, मीन्स ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा फ्रेंड है, वो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करता है। बट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग बोल के ऑप्शन मिलता है। देखो, मैं मार्क किया हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो सेकंड जो ऑप्शन आता है रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, ये जो ऑप्शन है इसको आप ऑन करके रखेंगे तो सभी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं। एंड दोस्तों, 4th जो ऑप्शन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकमिंग कॉल सेटिंग, इसका बारे में बात करूँगा। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो सभी एक एक करके मैं बोल रहा हूँ इसको काम क्या है। 1st जो ऑप्शन है फ्लिप टू साइलेंट रिंगर, इसको आप ऑन करके रखेंगे तो नॉर्मली हमारा फ़ोन में, हम लोगों को फ़ोन में कोई फ़ोन आता है तो उसको साइलेंट करने के लिए हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं या वॉल्यूम बटन प्रेस करके उसको साइलेंट करते हैं। बट इसको अब अगर आप ऑन करके रखेंगे तो जब भी आपका फ़ोन में फ़ोन आएगा, फ़ोन को थोड़ा सा शेक कर दीजिए तो रिंग को साइलेंट हो जाएगा। एंड सेकेंड जो ऑप्शन दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या है, इसको आप ऑन करके रखेंगे तो जब भी आपका फ़ोन में कोई फ़ोन करेगा, आप फ़ोन को उल्टा कर देगा तो आपका रिंग टोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। एंड 3rd नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, ये आप ऑन करके रखेंगे तो आपका जो रिंग टोन है वो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ते रहेगा, मीन्स ज़्यादा होते रहेगा। एंड 4th नंबर जो ऑप्शन आता है जो आपको फ्लश व्हेन रिंगिंग, इसका मतलब क्या है, इसको जब ऑन करके रखेंगे आपका मोबाइल में जो टॉर्च लाइट है, जब भी कोई कॉल करेगा उसके साथ टॉर्च लाइट ऑन ऑफ होते रहेगा। एंड उसके बाद जो ऑप्शन है सेंसर, जो ये क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं, कान का पास फ़ोन लेके जाता हूँ तो हमारा फ़ोन में एक सेंसर रहता है जिसके वजह से हमारा फ़ोन का जो स्क्रीन का लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एंड जब भी वहाँ से कान से निकल के हाथ में लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिक स्क्रीन में लाइट आ जाता है, ये ऑप्शन का काम यही है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है म्यूट फर्स्ट रिंग, इसको आप ऑन करके रखेंगे तो आपका फ़ोन में जो फर्स्ट रिंग होगा उसको सुनाई नहीं देगा, म्यूट होगा, उसके बाद से आपको सुनाई देगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा टाइप का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए।